दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसे ट्रेन के बारे में सुना है जो बादलों के ऊपर से गुजरते हुए चलती है? तो चलिए हम आपको बताते हैं। अर्जेंटीना के समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर एंडीज पर्वत श्रृंखला से एक ट्रेन गुजरती है, जिसे ट्रेन टू द क्लाउड कहा जाता है। यह रेल लाइन दुनिया के सबसे ऊँचे रेल रूटों में से एक है। यह ट्रेन जब कुछ खास इलाकों से गुजरती है तो ऐसा मालूम पड़ता है कि यह बादलों को चीर कर आगे बढ़ रही है। असल में तब रेलवे लाइन के दोनों तरफ भारी बादल आ जाते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं रेल रूट कहाँ से शुरुआत होती है। इस रेल रूट की शुरुआत अर्जेंटीना के सिटी ऑफ साल्टा से होती है, जिसकी ऊंचाई 1187 मीटर है। इस रेल मार्ग का निर्माण 1920 में हुआ था। इस प्रोजेक्ट के हेड अमेरिकी इंजीनियर रिचर्ड फोंटेन की मृत्यु हो गई थी। यह अमेजिंग फैक्ट जानकर आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही नॉलेजबल और इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए।